नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर सचिन तोमर और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। तो मैं सबसे पहले, आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं सबसे पहले इसमें होम्योपैथी के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले होम्योपैथी के बारे में ये बताऊँगा कि एक ये देसी पद्धति नहीं है, एक ये विदेशी पद्धति है जिसका आविष्कार डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने किया था, जो जर्मनी में पैदा हुए थे और जो ये बेस है सिमिलिया सिमिलियस कुरिंडर्क पर निर्भर करती है। मीन्स है लाइक कोर्स बाई लाइक्स पर। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम देसी भाषा में कहें लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, उसी के अकॉर्डिंग ये मेडिसिन काम करती है। और ये मेडिसिन हमारे क्या होते हैं, पूरी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे काम करती है। जैसे हम पेशेंट को देखते हैं, उसकी हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं, पास हिस्ट्री प्रजेंट हिस्ट्री, उसी के अकॉर्डिंग इसमें सिम्टम्स हम तैयार करते हैं, तभी हमारी दवाई तैयार की जाती है। और इसके बारे में मैं कुछ और बताना चाहूँगा, होम्योपैथी वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है। WHO के अकॉर्डिंग एलोपैथी के बाद होम्योपैथी का ही नंबर आता है। और आप सब जानते हैं कि होम्योपैथी स्लो काम करती है। वो स्लो इसलिए काम करती है क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। वो कोई रोग को दूर नहीं करती, हम पूरी बॉडी को लेकर चलते हैं, पूरी बॉडी को क्योर करते हैं। होम्योपैथी में सबसे अच्छी बात यह है कि जहाँ पर एलोपैथी फेल हो जाती है, एलोपैथी में किसी में कोई ऐसे क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, वहाँ पर ऑपरेशन बोला जाता है। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है, बहुत सी डिजीज हैं जो बिना ही ऑपरेशन के होम्योपैथी से ठीक हो जाती है। होम्योपैथी गोली लैक्टोज की बनी होती है, ये मीठी दाने होते हैं, वे लैक्टोज के बने होते हैं। लेकिन क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट भी इसको खा सकता है क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है। होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं वे हर्ब्स हैं, मिनरल से, एनिमल से, उसके द्वारा बनी होती है। और होम्योपैथिक और एलोपैथिक एक साथ मिलकर हम ले सकते हैं। जैसे बहुत सी बीमारी, जैसे अस्थमा है, जॉइंट पेन है, और आपके डायबिटीज़ हैं, HIV है, अल्सर है, ब्रोंकाइटिस है, नमोनिया है, इनमें क्या है कि एलोपैथी के साथ होम्योपैथिक बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे होम्योपैथी यदि हम सिंगल मेडिसिन दें तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन जो कोई क्रॉनिक डिजीज़ होती है, क्रॉनिक पेशेंट होते हैं, उसमें हम स्टार्टिंग में एलोपैथी के साथ होम्योपैथी खिलाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम एलोपैथी को बंद कर देते हैं और पेशेंट को होम्योपैथी पे ही ले आते हैं। उससे क्या होता है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो हमारी बॉडी को, इम्यूनिटी सिस्टम को ज़्यादा बढ़ाएंगे, जिससे जो रोग हैं, वो डिजीज़ हैं, वो कम होता चला जाएगा और पेशेंट है या मरीज है या हम हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको पता है कि होम्योपैथिक वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर है और दुनिया में लगभग 500 मिलियन पीपल इसको यूज कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में इसको यूज कर रहे हैं। जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, होम्योपैथी हर जगह यूज हो रही है, आजकल बहुत पॉपुलर है। आप, मैं थोड़ा डेटा बताऊंगा इसके बारे में। इन फ्रांस में 18,000 फिजिशियन होम्योपैथी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। इन इंग्लैंड में 42% ब्रिटिश फिजिशियन हैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर रहे हैं, और अपने जो वहाँ के रॉयल फैमिली हैं वो भी होम्योपैथिक दवाई पर डिपेंड है। आपको इंडिया के बारे में बताऊँ, इंडिया में 70,000 सर्टिफाइड होम्योपैथिक फिजिशियन हैं, और उनमें से आपके 100 होम्योपैथिक हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक हैं, और बहुत होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भी हैं। जर्मनी में 20% ऑफ फिजिशियन प्रिस्क्राइब होम्योपैथिक मेडिसिन करते हैं। नीदरलैंड में 45% फिजिशियन होम्योपैथिक मेडिसिन करते हैं। और मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ, आज मैंने फर्स्ट टाइम है तो मैंने होम्योपैथी का इंट्रोडक्शन किया है। आने वाले टाइम में मैं एक कोई भी डिजीज लूंगा जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। जिसको भी कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, किसी भी बीमारी के बारे में, मैं उसके बारे में कारण और उसका उपचार और उसकी होम्योपैथिक दवाई बताऊंगा। यदि किसी को मिलना है मुझसे, मेरे क्लिनिक पर भी आकर मिल सकता है। यदि कोई भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, हमारा इसमें नंबर दिया है, टोल फ्री नंबर है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। लास्ट में मैं सब ये बोलना चाहता हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इसमें अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। और इसमें मैं सबसे एक बात बताऊँ, इसमें मैं होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊँगा, और सबसे अच्छी बात है इसमें आपको मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी दूंगा इसके साथ साथ में। इसलिए जितना हो सके इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।